अभी से कुछ वक्त पहले ना हम सब ने एक पोस्ट देखा था ऐसे ही रैंडम ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, जिसमें टर्म वन के बाद का जो स्ट्रेस था, जो एक फ्लडेड इमोशन था दिमाग में, उसके बारे में बोला था। वैसे ये कुछ खास वैसा तो नहीं है, बट स्टिल कुछ शब्द हैं जो मैंने लिखे हैं। पढ़ाई का स्ट्रेस सिर पर सवार है, सीबीएसई पे गुस्सा ना जाने कितना बेशुमार है, रीजंस हजारों हैं नाराज होने के, फिर भी मन में एक ही सवाल है, क्या सीबीएसई को हमारा जरा भी ख्याल है? दो बोर्ड की बात हुई, ठीक है संभल गए, सीनियर्स के वक्त कोविड आई था, ठीक है समझ गए, जूनियर्स इतना प्रेशर क्यों ले, तो पैटर्न बैक टू नॉर्मल, ठीक है उनका भी सही है सुलझ गए, बट हमारी क्या गलती थी? इसी सवाल पे हम फिर से आगे उलझ गए। एग्जाम्स की डेट आगे रख के इन्होंने पढ़ने का वक्त तो दे दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने भी ना जाने किस बात का बदला ले लिया, एक के बाद एक हमने ना जाने कितने एग्जाम्स है दिया, फिर भी हमारी ही किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया। गलती ना किस्मत की है ना शायद एग्जाम बोर्ड की है, कितना भी कोशिश कर लो सॉर्ट करने की, स्ट्रेस ओवरलोड ही है यार। इस बैच ने 10th बोर्ड के बाद दो बोर्ड भी लिखा है, इस बैच का हर बच्चा इन 2 साल में कितनी ही रातों रोते दिखा है। मैं दोष नहीं देती यार किसी को, मैं दोष नहीं देती किसी को, फिर भी एक ही सवाल है, क्या इस बैच की किस्मत इतनी खराब है?